नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी। आज मैं आपको विजयदशमी यानी दशहरे की कहानी सुनाने वाली हूँ। नमस्कार दीदी, त्योहारों की कहानियाँ सुनने में तो हमें बड़ा मजा आता है। दीदी ये देखिए, दशहरे की तैयारी में तो हम सब ने मिलकर एक गत्ते का रावण भी बनाया है और उसमें पटाखे भी भर रहे हैं, जिससे कि जब रावण दहन करे तो आकाश में गजब की आतिशबाजी हो। अरे वाह, ये तो सचमुच तुमने बड़ा विशाल रावण बनाया है, मगर जरा ध्यान भी रखना इसे जलाने के समय। हाँ दीदी, हम बड़ों के साथ ही रावण दहन करेंगे। बढ़िया, तो अब कहानी सुनाऊं? हाँ दीदी शुरू करो। तो सुनो, दशहरा यानी विजयदशमी हिंदी कैलेंडर के अश्विन माह की दशमी यानी 10 तारीख को मनाया जाता है। ये त्योहार वर्षा ऋतु की समाप्ति का सूचक भी है। इस दिन के बाद ही चौमासे में स्थगित सभी कार्य फिर से शुरू किए जा सकते हैं। इस दिन लोग घरों को फूलों की मालाओं से सजाते हैं और घर में रखे शस्त्र वाहन आदि का पूजन करते हैं। दशहरे का त्योहार बहुत ही पावनता से संपन्न किया जाता है और पूजा के बाद आप सभी का चहिता भाग यानी रावण दहन किया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। बिल्कुल सही। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करने के बाद भगवान श्री राम ने दशमी के दिन ही 10 धड़ वाले लंकापति रावण का वध किया था। वैसे तो रावण परम ज्ञानी पंडित थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अहंकार भाव में डूबकर उन्होंने श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लंका ले जाकर उन्हें 10 महीने तक अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। सीता को बचाने के लिए ही भगवान श्री राम ने हनुमान जी और अपने भ्राता लक्ष्मण की सहायता से राक्षस राज रावण की प्यारी लंका पर हमला बोल दिया और उसे जलाकर रावण पर विजय प्राप्त की। ये भगवान राम सफल हुए। हाँ, और उसके बाद सीता को वापस अयोध्या ले जाकर उन्होंने अपना राज्य संभाला। उस दिन रावण को युद्ध में परास्त करके उसे मुक्ति देने का महान कार्य करके श्री राम ने दशमी के दिन को पावन कर दिया। रावण का अहंकार चूर चूर हो गया और सच और अच्छाई की ये जीत पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर खड़ी हो गई। बोले श्री रामचंद्र की जय। तो बच्चों, आज हमने इस पर्व की कहानी से क्या सीखा? मैं बताऊं दीदी? हाँ हाँ बताओ। रावण महाज्ञानी होकर भी अहंकार भाव के कारण दुराचारी बन गया था। हमें इस कहानी से सीख लेकर लोभ अहंकार और अत्याचारी वृत्तियों को त्यागना चाहिए और राम की ही तरह जीवन जीना चाहिए, जिन्होंने हमेशा अपने स्वार्थ से बढ़कर सत्य की राह पर चलने का मार्ग दिखाया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बोला आपने। भगवान राम की यह सीख भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब तुम सब अपना रावण बनाओ, फिर हम सब साथ में मिलकर रावण दहन करेंगे दशहरे के दिन। अभी मैं चलती हूँ।